भाजपा की विजय संकल्प सभा आज बगरू में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की सभा तकिया बस स्टैंड पर दोपहर में होगी और जनसभा जयपुर शहर लोकसभा भाजपा प्रत्याशी रामचरण बोहरा भी इसमें शामिल रहेंगे। तकिया बस स्टैंड पर जनसभा को संबोधित करते पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे नजर आएंगी। भाजपा की विजय संकल्प सभा का आगाज हो चुका है और इसी के तहत बगरू में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की आज सभा होगी और उनके साथ जयपुर शहर से प्रत्याशी घोषित किए हुए और मौजूदा सांसद रामचरण बोहरा भी नजर आएंगे। और इसी खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए A1 संवाददाता पिंटू सिंह नरुका हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। बगरू में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की आज दोपहर में सभा होगी। तकनीकी खामी के चलते पिंटू जी से हमारा संपर्क टूट चुका है, लेकिन आपको बता दूं बगरू में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की आज दोपहर में सभा होगी। विजय संकल्प सभा का आगाज हो चुका है और जगह जगह लोकसभा क्षेत्र में सभी भाजपा के दिग्गज नेता रैलियां कर रहे हैं। इसी खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए A1 संवाददाता पिंटू सिंह नरुका हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। जी पिंटू बताएं। देखिए ज्योति, लोकसभा चुनाव का बिगुल पूरी तरह से बज चुका है, काफी कुछ योद्धा चुनावी मैदान में भी आ चुके हैं और अब सबसे बड़ी बात है जो लगातार अब एक महीने डेढ़ महीने तक जो अब धुआंधार प्रचार जो आपको देखने को मिलेगा, जो महासंग्राम एक चुनावी एक वार प्रत्यारोप आरोप प्रत्यारोप और जो तमाम एक दूसरे को जो कोसने के जो मंच है वो पूरी तरह से अब सच चुके हैं। और बीजेपी ने इस दौरान, हालांकि बीजेपी के पूरे प्रत्याशियों की घोषणा अभी नहीं हुई है, लेकिन बीजेपी ने अब जो विजय संकल्प सभा का नाम इन्होंने दिया है अपने प्रचार प्रसार का और प्रदेश में आज से विजय संकल्प सभाओं का आयोजन शुरू हो गया है। तमाम जो जिले हैं, जैसलमेर अजमेर हो, सीकर हो, चाहे चूरू हो और जैसलमेर, इन तमाम जिलों में और जयपुर में आज से जो बीजेपी के बड़े नेता हैं वो विजय संकल्प सभाओं को संबोधित करेंगे। और जैसे ही जयपुर शहर से रामचरण बोहरा को टिकट मिला है उसके बाद से उनका भी प्रचार प्रसार शुरू हो गया है और आज से उनकी जो पहली सभा है वो शुरुआत जो जयपुर शहर की विधानसभा सीट है बगरू वहां से करने जा रहे हैं और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे खुद इस प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगी, उस सभा को वहां संबोधित करेंगी और एक बार फिर से जयपुर शहर में कमल खिलाने का जो संकल्प बीजेपी ने लिया है उसके लिए कार्यकर्ताओं को संबोधित करेगी। जी पिंटू, जिस तरह से लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि लोकसभा चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री को भी उतारा जा सकता है, क्या उन कयासों पर विराम लग चुका है या फिर अभी भी उम्मीद है? देखिए ज्योति, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पूर्व में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे बारा झालावाड़ से सांसद रह चुकी है और जब से वो मुख्यमंत्री बनी थी उसके बाद से उनके बेटे जो है दुष्यंत सिंह वो वहां से सांसद चुने गए। बीच में थोड़ी सी चर्चा थी कि राष्ट्रीय हाईकमान चाहता है कि वसुंधरा राजे को एक बार फिर से सांसद का चुनाव लड़ाया जाए दुष्यंत सिंह की जगह, लेकिन सीएम पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की इस प्रकार की कोई मंशा नहीं थी और वहां से अब टिकट मिल चुका है, दुष्यंत सिंह को पार्टी ने चुनावी मैदान में उतार दिया है। तो अब किसी प्रकार का कोई कयास लगाने की कोई वजह बची नहीं है कि राज्य चुनाव लड़ेंगी, वो पूरी तरह से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रदेश की जो राजनीतिक स्थितियां हैं वो पूरी तरह से देख रही है और प्रदेश को कहीं ना कहीं वो लीड कर रही है किस प्रकार से 25 की 25 सीटें फिर से हासिल हो। राष्ट्रकमान ने, हाईकमान ने उनको जिम्मेदारी दी है कि एक बार फिर से आपके नेतृत्व में 25 सीटों पर कमल खिले और वो इस चीज में लग चुकी है लगातार। जिस प्रकार से कल भी उन्होंने जिस प्रकार से भाजपा मुख्यालय में बैठ के लिए तमाम जो बाकी सीटें बची है और किस प्रकार से एकजुट हो, जहां किसी प्रकार से कोई प्रत्याशी का विरोध हो रहा है तो वहां के जो क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि और जो नेता है उनसे भी वसुंधरा राजे ने कहा कि समझाइश की कि अब आप सब लोग एकजुट होकर लोकसभा मिशन 25 में जुट जाएं और खुद भी आज प्रचार प्रसार की रणनीति में जुट गई है। रामचरण बोहरा के लिए वो वोट मांगेगी बगरू में और जनसभा को संबोधित करेगी। जी ज्योति। जी पिंटू, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।